हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और सुबह सुबह का टाइम है, नहाने धोने का काम मेरा हो चुका है, पूजा पाठ भी कर ली है और घर की साफ़ सफाई भी हो गई है। उसके बाद मैंने जल्दी करके सुबह वॉशिंग लगा दी है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धुलने के लिए जैसे बेडशीट वगैरह निकाली थी, तो मैंने कहा धुल लेती हूँ, और रजाई कंबल का कवर भी निकाल रखा है, और ये कुछ स्वेटर हैं, अब ठंडियाँ कम हो गई हैं तो मैं इनको धुल के रख देना चाह रही हूँ कि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। और धुलने के लिए मैंने इजी में हल्का गुनगुना पानी में डाल के इजी भिगो रही हूँ कपड़ों को, तो थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे। और जब भी हम स्वेटर धुलें उसको थोड़ा सा हाथ से धुलें, वॉशिंग में नहीं धुलना चाहिए, नहीं तो रुएं निकल आते हैं तो हमारे स्वेटर ख़राब हो जाते हैं। और स्वेटर तो अगर आप अच्छे से संभाल के रखते हैं तो बहुत दिनों तक चलते हैं, स्वेटर जल्दी ख़राब नहीं होते, इसलिए केयर करनी चाहिए स्वेटर हो या फिर कोई भी कपड़ा हो। और यहाँ पे गाय आ गई है, तो सुबह सुबह गाय अक्सर जब मैं नीचे कुछ काम करती रहती हूँ तो देखती हूँ, तो उसी समय अग्राशन निकाल के जो रखी रहती हूँ खिला देती हूँ। और जब ऊपर हम लोग रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि देख ही नहीं पाते कब आके चली जाती हैं। और यहाँ पे जब थोड़ी देर भिगो दिया था तो करीब 20 मिनट आधे घंटे हुए होंगे, तो तब तक मैंने और कपड़ों को यहाँ पे धुला है। तो ये भी सब मैंने हाथ से ही धुले हैं। जो हमारे नए कपड़े होते हैं उनको आप कोशिश करिए कि हाथ से धुलिए और सर्फ या इजी में भिगो के धुलिए, और ऐसे ही हाथ से रगड़ के, तो ये कपड़े ख़राब नहीं होते जल्दी। और वॉशिंग में तो चद्दर वगैरह धुलने के लिए बढ़िया होता है, जैसे भारी कपड़े हो गए या फिर जो डेली यूज के वैसे भी कपड़े आप धुल सकते हैं। और यहाँ पे मैं इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे हाथ से ही रब करूँगी, रगड़ूँगी, और उसके बाद इस तरह से गाड़ने से ना इसके जो हैं ख़राब नहीं होते हैं। इनको वैसे नहीं, हम जैसे और कपड़े निचोड़ते हैं उस तरह से नहीं निचोड़ना चाहिए स्वेटरों को, हल्के हाथ से ऐसे ही गाड़ के निकालना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं ऐसे ही रगड़ रगड़ के इनको थोड़ा सा मल के धुल लूँगी, और पानी चल रहा है तो खंगाल के बस रखूँगी, और ज़्यादा इनको ड्रायर में भी डालूँगी, सिर्फ 2 मिनट के लिए डालूँगी। जैसे 5 मिनट के लिए ड्रायर होता है तो 2 मिनट के लिए ही ड्रायर करूँगी, और सूख जाते हैं इस समय, तो सीजन भी ऐसा आया है, गर्म धूप है, हवा है, और हमेशा उल्टे करके डालिए। तो जब भी हम आप नए कपड़े धुलते हो करते हो तो उसका हमेशा ध्यान रखिए, तो आपके कपड़े लंबे समय तक अच्छे से चलेंगे और शाइनिंग नहीं जाएगी कपड़ों में, रुएँ नहीं निकलेंगे। तो ये थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन करना चाहिए, हाथ से ही करना चाहिए। और यहाँ पे ये देखिए, और ये हम लोग के देश के नहीं लग रहे थे, मतलब साउथ के लग रहे थे, अपने आप को ही इतना मोटा चाबुक सा ले रखा था, मार रहे थे, और वाइफ और बच्ची, वाइफ ढोलक लेके बजा रही थी। तो बस मैंने कुछ पैसे सुबह सुबह का टाइम ही आ गए तो दे दिया था। और उसके बाद यहाँ पे बस गेट भी मैं साथ ही धुल लेती हूँ, धूल मिट्टी जम जाती है तो हल्का सा पानी लगा के हाथ से फिर कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो साफ़ कर दिया था मैंने, क्योंकि सफाई तो चली रही है, त्यौहार है, तो बस उसी साथ साथ वो भी करके बस मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मेथी के पराठे बना रही हूँ, तो उस दिन भी मैंने पहले भी बनाए हैं, लेकिन इस तरह से ये मेथी के पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं और अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया था, उसमें थोड़ी सी ये मलाई डाली है, मेथी डाला है, अजवाइन डाला है, और नमक, और थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, और ये लाल मिर्च भी थोड़ा सा डाला था, और ये कूट के हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च इसमें अदरक और लहसुन नहीं डालूंगी, आप लोग डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मैंने अदरक लहसुन नहीं डाला है। बिना उसके भी बहुत अच्छा पराठा बनता है और सॉफ्ट, जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं ऐसा ही, बस इसको गूंद के और थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो बस यहाँ पे रोटी की तरह बेल बेल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, जो हम मलाई डाल देते हैं उससे पराठे इतने सॉफ्ट रहते हैं, आप ज़रूर बना के ट्राई करिए। वैसे भी सीजन जा रहा है, मेथी वगैरह अब उतना नहीं अच्छा नहीं मिलता है, पालक तो मिल जाती, मेथी तो जल्दी नहीं दिखती। तो यहाँ पे बस मैं पराठे ही जल्दी जल्दी से सेक रही हूँ, और चाय भी साइड में मैंने रख दी है, चाय भी बन रही है। तो ये नाश्ता मेरा सुबह सुबह का हो रहा है, और इस समय ऐसा हो गया है कि पूरे दिन ये कहीं वो ऐसा काम लगा रहता है कि फुर्सत ही नहीं मिलती है। ये अगर हम जब कोई फेस्टिवल आ जाता है तो और बिजी लाइफ हो जाती है, वैसे तो हमेशा ही रहती हाउसवाइफ की, घर में कहने को होता है, घर में हम
खत्म है, लेकिन काम ऐसे होते हैं कि ख़त्म ही नहीं होते, एक के बाद एक काम। तो यहाँ पे बस पराठा तैयार है, आ जाइए आप लोग भी खाइए। और यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ, कैंटीन जा रही हूँ, आज कुछ सामान कैंटीन से ले आऊँगी। अंदर ये रूल है, बिना हेलमेट के नहीं जा सकते, वो लोग हैं तो वो लोग हेलमेट पहने रहे, बस कैंटीन के लिए निकल रही है। तो ये है IMA, यहाँ पे अफसर लोगों की ट्रेनिंग होती है, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और कितना अच्छा साफ सुथरा रहता है फौजी एरिया, और ये देखने में भी इतना सुंदर लगता है। लोग कितने लोग आते हैं यहाँ पे जब यहाँ पे परेड होती है। और उसके बाद ये पहुँच गए हम लोग कैंटीन में, तो बस सामान ले रही हूँ यहाँ पे, फटाफट से सारा सामान लूँगी क्योंकि आज और भी बहुत सारे काम मैंने सोच रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, जल्दी जल्दी से ही मैंने सामान सारे देखे और रखे हैं। और ये भी साथ में थे तो हेल्प हो जाती है, ये भी कुछ सामान ये लेके आए, कुछ मैं लेके आई, और जल्दी जल्दी हो गया है। तो सामान ले लिया है हमने कैंटीन से, और ये देखिए ये लेके आ रहे हैं। इनके रहने पे मुझे ढोना नहीं पड़ता कोई भी चीज़, बहुत आराम रहता है साथ में, दोनों लोग अगर रहते हैं कहीं भी तो आधी चीज़ें मैं ले लेती हूँ, आधी चीज़ें ये, तो ज़रूरी रहता साथ में रहना चाहिए। और बस घर पहुंचने के बाद ये सामान सब रख रही हैं दीपू। कैंटीन का सामान जब आता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि वहाँ से कई चीज़ें खाने पीने वाली अच्छी अच्छी इन लोग को मिलती है, और सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कैंटीन से जब हम ले आते हैं, तो इन लोग को अच्छा लगता है देखने में रखने में। तो दीपू ने ही रखा सारा सामान, और उसके बाद मैं ये लिस्ट बना रही हूँ बाहर से सामान जो ले लूँगी, गुजिया वगैरह भी बनानी है, और घर का भी सामान काफ़ी ख़त्म हो रखा था, मैंने कहा चलो भी एक साथ ही जा रहेंगे तो सारा ही सामान ले लेंगे, तो इसलिए मैं लिस्ट बना ले रही हूँ ताकि कोई सामान छूटे ना। और यहाँ पे कपड़े जो सुबह वॉशिंग लगाई थी तो वो सूख गए थे, दोपहर में ही मैंने बोला था, तो बच्चे सब उतार के ले आए हैं कपड़े, तो ये रखे हुए हैं, अभी इनको टाइम मिलेगा तो इनको भी रखूँगी। बस यहाँ पर लिस्ट याद करके एक एक सामान का बना ले रही हूँ, क्योंकि कुछ गुजिया का सामान चाहिए, कुछ घर का सामान चाहिए, और कैंटीन से जो सामान नहीं मिलता है वो मैं बाहर से लेती हूँ, नहीं काफ़ी सामान तो मैं कैंटीन से ही लेके आई हूँ। और उसके बाद यहाँ पे छत पे थोड़ी देर के ये दीक्षा लगा रही है ये पौधा मनी प्लांट जो था वही लगा रही हैं कि अपने रूम में रखने के लिए, तो उसमें कीड़ा इनको दिख गया, जो केचुआ बोलते हैं तो वो दिख गया इनको, तो ये बस छूना ही नहीं चाह रही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो होते ही हैं मिट्टी में। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ नमकीन, जो घर में बना सकते हैं आसानी से, जो लाई मुरमुरा बोलते हैं, उसकी इतनी टेस्टी नमकीन बन जाती है कि पूछिए मत, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। और यहाँ पे बस मैंने थोड़ी सी नारियल काटे हैं बारीक बारीक पतले से, और इधर मूंगफली डाल दिया है कढ़ाही में तेल डाल के, तो इनको निकाल लूँगी फटाफट से, ऐसे भुज जाती है मूंगफली। आप अगर ऑयली नहीं खाना चाहते तो रोस्ट कर सकते हैं, वैसे भी कढ़ाही में बिना ऑयल के भी भूज सकते हैं मूंगफली को, लेकिन इस तरह से अच्छी लगती है, उसमें टेस्टी लगती है। और नारियल को भी ऐसे बारीक चक्कू से काट के पतला पतला डाल दिया था, थोड़े से तेल में उसको भूज के निकाल लिया है। उसके बाद इसमें डाल दिए हैं बादाम, और इधर मूंगफली भी मैं देख रही हूँ तो बस इसमें निकाल लूँगी। और वैसे तो शॉप से भी हम नमकीन लाते ही हैं, लेकिन इसका स्वाद भी अच्छा रहता है और ढेर सारी बन जाती है घर में। वैसे कितनी मतलब ले आओ, बच्चों को नमकीन बहुत पसंद होती, फिर होली भी थी तो मैंने कहा बना लेती हूँ थोड़ी सी इसको। और यहाँ पे अब बादाम भूज लूँगी, और ड्राई फ्रूट आपके पास जो हैं वो डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप जो इसमें पड़ा है वही सब डालिए। तो यहाँ पे बादाम और नारियल के बाद ये थोड़े से काजू और किशमिश डाल दिए हैं, तो एक चम्मच ऑयल डाल के इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। और आप मखाना भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। तो कोई ये नहीं है कि आप ये डालिए वो, कुछ भी आपके पास जितने हैं सामान उससे ही बना लीजिए और अच्छी बन जाती है। तो बस मखाना और वो बादाम और काजू
किशमिश नारियल सब भूजने के बाद थोड़ा सा तेल डाला है, उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें हल्की सी थोड़ी सी हल्दी। और ये पोहा है, तो जो पोहा घर में मार्केट में भी इजीली मिल जाता है, तो वो पोहा बस थोड़ा सा डाल के इसको भी भूज लिया है। और भूजने के बाद फिर थोड़ा सा एक चम्मच तेल डाला है मैंने, और इसमें फिर थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, और उसके बाद जो मुरमुरा या लाई, हम लोग के यहाँ तो लाई ही बोलते हैं, वो डाल दिया है मैंने इसमें। अब इनको मैं भूज ली हूँ थोड़ा सा, फिर इसको भी एक बड़े बर्तन में सब डालती जा रही हूँ मैं। और सब ये लाई मुरमुरा डालने के बाद मूंगफली ड्राई फ्रूट जितने थे वो डाल दिया है, और यहाँ थोड़ा सा तेल रखा है, और इसमें थोड़ा सा राई और थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, हल्की सी हींग ये डाल दिया है। और इनको थोड़ा सा भूजने के बाद अच्छा से भूजना है, क्योंकि ये जैसे नमकीन आप स्टोर करके भी रखते हैं कुछ दिन तो ख़राब नहीं होती है। और इनको इनका लगा दिया है तड़का, इसमें छौंक मार दिया है, और इसके बाद इसमें कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगता है, आप कड़ी पत्ता काट काट के डाल दीजिए और अच्छे से फ्राई करके तो अच्छे लगते हैं। उसके बाद इसमें नमक डाल दिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा चीनी डाली है, पीसी हुई चीनी एक चम्मच से थोड़ा सा कमी, एक ही चम्मच डाल दिया तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है, तो ये सारी चीज़ें, तो मिर्च अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, लेकिन अच्छी लगती है। और यहाँ पे ये नमकीन है ऑल इन वन, मतलब इसमें सारी मिली हुई नमकीन है, तो इसकी जगह आप जैसे मठरी छानते छोटी छोटी सी मठरी भी मैदे की छान के मिला सकते हैं, या फिर सेव मिला सकते हैं, या फिर इस तरह से नमकीन, या फिर मत मिलाइए, ऐसे ही बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ हम लोग आ गए हैं चक्की पे, और मैं कह रही हूँ कि यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, तो कह रहे हैं कि जाओ चली जाओ पैदल पैदल वॉक करते हुए चली जाओ घर पे। मैं सोच रही हूँ कि टाइम इतनी देर यहाँ बैठ के गेहूँ पिसा रहे, इतनी देर में कितने काम हो जाते। क्यों हम लोग सामान लेके आ गए हैं, और दिन भर आज सामान ही ले आ रहे हैं, कैंटीन से गए वहाँ से लेके आए, फिर राशन वाली दुकान पे गए वहाँ से लेके आए हैं, आटा लेके आए हैं, इस समय देखिए ये लेके बस घर पहुँच गए हैं, इकट्ठा कर लिया सामान। दीक्षा देखिए किचन में लगी हुई है, खाना खाने की तैयारी हो रही है, ये होता है बेटियों के होने पर। आज मैं तो पूरे दिन बस लगी रही इधर उधर इधर उधर में, लेकिन अब खाना बन रहा है। उसके बाद आटा और सामान की लिस्ट दे गई थी मैं दुकान वाले को, तो उसने सामान सारा निकाल के रख रखा था बांध के, तो आते ही बस वहाँ से सामान लेके दोनों ही आटा और सामान लेके घर आ गई हूँ। अब इनको मैं रखूँगी, और दीक्षा खाना बना रही है, तो इनको सबको रात में ही रख लूँगी, क्योंकि सुबह भी बहुत सारे काम हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आप लोग को मेरा वीडियो ब्लॉग अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और लाइक नहीं करते हैं तो लाइक कर दिया करिए। तो फिर चलिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मिलते एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।